बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के स्टॉक में नया ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो स्टॉक है हमको पहले यहाँ पर लगातार अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से हमको स्टॉक है लगातार यहाँ पर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन लोअर वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में अराउंड 1% यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ से हम अगर अब स्टॉक की बात करें, यहाँ से अब स्टॉक में हमारे पास 282 का जो लेवल है, ये यहाँ से स्टॉक में से नेक्स्ट टाइम सपोर्ट काम करेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 268, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 251, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी ब्रेक करता है इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 236 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसे नेक्स्ट टाइम सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिवर्सल आता है तो भाई यहाँ से रिवर्सल की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 296 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा तो फिर हमको यहाँ पर स्टॉक में 311, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी ब्रेक करता है तो उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 326, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 346 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसे नेक्स्ट टाइम पर रजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।